मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड क्वेश्चन नंबर वन आप सभी लोगों के लिए ये रहा, फाफड़ा जलेबी किस इंडियन स्टेट का पॉपुलर फूड आइटम है? केरला, ओडिशा या गुजरात? डूड ओके जलेबी है ऑप्शन में एंड मतलब सी आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स क्योंकि मुझे जलेबी बेहद पसंद है। भाई ये स्क्रीन पे क्यों आ गया, हटाओ इसको प्लीज, मूव इट ओके काफी लालच आ रहा है, आई थिंक आई शुड जस्ट डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। एनी वे आप सही जवाब ऑलरेडी आपके मुझ तक पहुंच चुके हैं एंड द आंसर इज बट ऑफ कोर्स गुजरात, राइट। 24,000 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया बट ऑलमोस्ट 4,000 लोग गलत जवाब दे बैठे। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई लोड नहीं लेना। 27,000 लोगों ने करी है लाइफ यूज एंड ऑलमोस्ट 29,000 लोग मेरे साथ बढ़ करके चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। बट कुछ 36,000 लोग हैं जो देख रहे हैं मेरे को, सुपर डुपर फूफो वेलकम है गाइस बेन बाजी पर। क्वेश्चन नंबर टू क्रिकेट से, ये आपके स्क्रीन पर। अब इनमें से कौन सा इंडियन क्रिकेटर अपने हेलीकॉप्टर शॉट के लिए पॉपुलर है, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या वीरेंद्र सहवाग? वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसके ऊपर से इसका जवाब शीट कोड में भी बता दिया गया आपको। अब आप आंसर टैप कर लो एंड लेट मी टेल यू कि गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर शॉट है स्ट्रेट ड्राइव, पता था आपको? चलिए अच्छी बात है। वीरू पांच यानी वीरेंद्र सहवाग का जो सिग्नेचर शॉट है वो है अपकट, दादा यानी सौरभ गांगुली का है ऑफ ड्राइव और यूवी का स्वीप शॉट। और ये जो हेलीकॉप्टर शॉट की बात हो रही है ना, ये MS धोनी का सिग्नेचर शॉट है, राइट। धोनी ने ये शॉट अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से सीखा था एंड इनके फ्रेंड इसको थप्पड़ शॉट बोला करते थे उस वक्त। 26,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, 724 पीपल यूजिंग देयर लाइव्स। एंड चूंकि हम गेम की ही बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रो कबड्डी लीग चल रहा है भाई, ये इंडिया का प्रोफेशनल लेवल कबड्डी लीग है एंड हर दिन ना दिलचस्प मैचेस खेलने के लिए जा रहे हैं। जैसे कल रात आप पटना वर्सेस गुजरात का मैच देख सकते हैं शार्प एट 8 PM एंड उसके बाद 9 बजे आप देख सकते हैं दिल्ली वर्सेस हैदराबाद के टाइटंस का मैच। तो प्लीज यार अपनी टीम को डेफिनेटली सपोर्ट कीजिएगा, वॉच इट, एंजॉय इट। फिलहाल के लिए कमिंग बैक टू द गेम, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ बढ़कर के 27,000 से ज्यादा लोग। बट एक सेकंड थोड़ा लाइक फील में आ जाने दीजिए ये सवाल पूछने से पहले, या बेटर। सो क्वेश्चन 3 आप सभी के लिए ये रहा, द जंगल बुक में उस मदर वुल्फ का क्या नाम होता है जो मोगली को अडॉप्ट करती है, बघीरा, अकेला या रक्षा? देखिए हमारे दिमाग में ना कुछ ऐसी पिक्यूलर साउंड्स होती हैं, स्मेल्स होती हैं जो ऐसे मतलब लाइक छपी हुई होती है, जैसे आप ताना ना 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 सुनते तो आपको क्या याद आता है, मालगुडी डेज, राइट। चोक स्लैम वर्ड सुनते ही WWE याद आ जाता है एंड मेरे को याद आता है कि जब शाम को 5:30 बजा करते ना और मैं छोटी थी तो स्मॉल वंडर का टाइम हो जाया करता था एंड घड़ी के 6 बजते ही टाइम हो जाया करता था द जंगल बुक का। एंड अभी के लिए टाइम हो चुका है आंसर का, द राइट आंसर इज रक्षा, मदर वुल्फ है रक्षा जिसका मतलब है प्रोटेक्शन एंड अकेला ये वुल्फ पैक के लीडर एंड फादर वुल्फ भी थे। 12,000 से ज्यादा लोगों को पता थी ये बात बट ओ माय गॉड ऑलमोस्ट 13,000 लोगों ने गलत जवाब दे दिया है, इसलिए बनता है मेरा आज का पहला गब्बर। ऑलमोस्ट 7,000 लोगों ने कर ली है लाइफ यूज, 19,000 लोग अभी भी मेरे साथ गेम में मौजूद हैं, कुछ 35,000 लोग गाइस जुड़े रहिए, आप कल ना एक सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, अब इनमें से कौन सी कंपनी अपना नाम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से शेयर करती है, निसान, लेक्सस या फिर टेस्ला? देखिए तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। निसान एक जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, डैटसन कार्स निसान ही बनाते हैं। वहीं बात करें लेक्सस की तो ये लग्जरी व्हीकल डिवीजन है ऑफ द जापानीज ऑटोमेकर टोयोटा, और अगर टेस्ला की बात करें तो एक अमेरिकन ऑटोमोटिव और एनर्जी कंपनी है बेस्ड इन कैलिफोर्निया। एंड आप गेस क्या करना है क्योंकि आपके 10 सेकंड्स तो ओवर हो चुके हैं और आप आंसर ऑलरेडी टैप कर चुके हैं और जवाब भी यही है, टेस्ला इज द राइट आंसर। एंड इसका जवाब मैंने आपको बताया था चीट कोड में यार, लेकिन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर और ये मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है एंड इसको निकोला टेस्ला के नाम पर ही रखा गया है। 16,000 से ज्यादा लोगों को पता थी ये बात, इन्होंने मेरी बात सुनी होगी चीट कोड में एंड 419 लोगों ने करी है लाइव यूज। ऑलमोस्ट 16,000 लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गेम का हिस्सा है। तो चलो पढ़ देती हूँ फिर आपके लिए पांचवा सवाल, ये रहा, किस फेमस फुटबॉलर ने 13 साल की उम्र में अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक नैपकिन पे साइन किया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या किलियन एम्बापे? अब देखिए जो सही जवाब है, जिनको डिसीजन लेना था विद इन 2 मिनट्स ऑफ वॉचिंग दिस प्लेयर प्ले इन मैच he decided that he wants to sign him, समझ रहे हैं आप? ये एक बहुत ही talented footballer है and even at the young age of 13 और उस वक्त उनकी जो height थी वो 5 feet से भी कम की थे यार,
तब भी उनको साइन कर लिया गया था और जवाब मुझ तक आ चुका है। द आंसर इज लायनल मेसी। एंड पता है आपको, जिसने इस फुटबॉलर को साइन किया था ना, वो अभी तक उनके पास वो जो नैपकिन है ना, वो सेफली रखा हुआ है। कितनी कमाल की बात है ये, 13,000 से ज्यादा लोगों को पता थी ये बात। सही जवाब देते हुए 859 लोग अब लाइफ यूज कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 13,936 लोग अभी भी मेरे साथ आज का मंडे एडिशन ब्रेनबाजी खेल रहे हैं। सुनिए, सिक्स्थ क्वेश्चन आप ही के लिए पढ़ रही हूँ, ये रहा। इनमें से कौन सी कंपनी ने नूडल्स और फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने से स्टार्ट किया था, सैमसंग, सोनी या ओप्पो? तो जो सही जवाब है, ये अब एक जायंट कंपनी है इन द वर्ल्ड ऑफ टेक, लेकिन ये ऐसे शुरू हुई नहीं थी। 1938 में ली ब्यांग चुन ने ढूंढी थी ये कंपनी को एज अ ग्रोसरी ट्रेडिंग स्टोर, ट्रेडिंग नूडल्स एंड अदर गुड्स जो कि लाइक प्रोड्यूस होते थे एंड सिटी में एक्सपोर्ट भी किए जाते थे। फिर ये एक्सपैंड हुई टू कंट्रीज लार्जेस्ट वूल मिल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, हैवी केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड फाइनली 1969 में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज ने एंटर करी और बस हम वहां पे छा चुके हैं। सही जवाब है सैमसंग। ये सैमसंग की स्टोरी है विच स्टार्टेड इन कोरिया और आज ये वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल नेम्स है इन टेक्नोलॉजी। और सियोल कोरिया की तो फिफ्थ ऑफ मतलब जितना 1/5 है ना टोटल एक्सपोर्ट यही प्रोड्यूस करता है भाई। 12,000 से ज्यादा लोगों ने दे दिया सही जवाब। 432 पीपल यूजिंग देयर लाइव्स एंड 12,500 से ज्यादा लोग अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सुनिए, सेवेंथ क्वेश्चन के रेडी हो जाइए क्योंकि मैं पूछ रही हूँ आपसे। ऑन योर स्क्रीन्स हियर इट इज। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल दुनिया में सबसे अमीर है जिसका मूल $18 बिलियन है? शिरडी साई बाबा टेम्पल, तिरुपति टेम्पल या पद्मनाभा स्वामी टेम्पल? देखिए जो सही जवाब है, ये टेम्पल ना गिनेस वर्ल्ड में रिकॉर्ड होल्ड करता है फॉर बीइंग द रिचेस्ट हिंदू टेम्पल, गौर फरमाइएगा, इन द वर्ल्ड। एंड इस टेम्पल के पास सिल्वर, गोल्ड और प्रेशियस जूल्स है जो कि बिलीव किया जाता है उसकी वर्थ है ऑलमोस्ट $18 बिलियन। भाई साहब जवाब बता दू, राइट आंसर इज पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। 9,263 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, इनको पता था जवाब। 1200 से ज्यादा लोगों ने करी है लाइफ यूज और मेरे साथ अब बढ़ करके चलेंगे टू एट्थ क्वेश्चन। 10,500 से ज्यादा लोग एंड जो 33,000 लोग, गाइस प्लीज बी अ पार्ट ऑफ द गेम क्योंकि आप सबके सब कल ना एक सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि एट्थ क्वेश्चन के तुरंत बाद आने वाला है। सो आठवां सवाल आप सभी लोगों के लिए ये रहा, किस देश के शेयर बाजार में लाल रंग का मतलब होता है कि स्टॉक्स ऊपर गए हैं क्योंकि लाल वहां पर लक की कलर माना जाता है, कनाडा, रशिया या चाइना? जैसे यूजुअली मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट में ना ग्रीन का मतलब होता है गुड या गो एंड रेड होता है बैड या स्टॉप, बट यहाँ पर उल्टा है बिकॉज रेड इज देयर लकी कलर। एंड पता है बहुत सारे देशों में ना रेड कलर अच्छा माना जाता है जैसे इंक्लूडिंग इंडिया, एंड रेड इज ऑल्सो द कलर ऑफ मार्स यानी कि मंगल। तो अगर आपका जो बर्थ डेट है वो 9/18 या 27 है ना, तो रेड आपका भी लकी कलर है, ये बात मैंने आपको बता दी ऐसे एकदम से हल्के में। एंड आप जवाब बता दी, द राइट आंसर इज चाइना। चाइना में रेड को लकी कलर मानते हैं लाइक इन जनरल कल्चर एंड इस बात से वाकिफ थे 9,292 लोग, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। 401 लोग लकी थे क्योंकि उन्होंने लाइफ यूज कर ली है। तो गेम में कायदे से मौजूद है 9,693 लोग, बट अब चूंकि हम अब पहुंच चुके हैं अपने नवे सवाल पे जो कहलाता है हमारा कल नायक सवाल, तो इसको अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ 33,300 लोग। एंड नवा सवाल का अगर आप सही जवाब देते हैं वी गॉट यू सिंगल लाइफ, तो एक्स्ट्रा लाइफ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि लोग डैश तक यात्रा कर पाए, पंजा साहिब, नानकाना साहिब या करतारपुर साहिब? देखिए ये डेरा बाबा नानक साहिब से शुरू होगा इन पंजाब एंड जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि बिलीव किया जाता है कि यहाँ एक बोल्डर पर गुरु नानक का हैंड प्रिंट इम्प्रिंटेड है। सो नानकाना में गुरु नानक का जन्म हुआ था और उन्होंने यहीं पर प्रीच करना चालू किया था। फिर गुरुद्वारा दरबार साहिब में करतारपुर इट मार्क्स द लोकेशन जहाँ गुरु नानक ने सेटल करके एक सिख कम्युनिटी इस्टेब्लिश करी थी। और सही जवाब है करतारपुर साहिब। ये करतारपुर कॉरिडोर है और ये करतारपुर साहिब तक जाएगा विच इज ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर। 18,408 लोग, सुपर डुपर फूपर काम किया है आपने बिना लाइफ यूज के सही जवाब देने का, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा लाइफ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एंड मेरे साथ अभी भी गेम में मौजूद है 9,333 लोग एंड ये मेरे साथ पहुंच चुके हैं 10th क्वेश्चन पर जो कि हमारा रनर्स अप सवाल। सही जवाब देते हैं विदाउट यूजिंग लाइफ तो 30,000 में से अपना शेयर ये राजी खुशी लेकर के जाएंगे। तो 10वां सवाल सुनिए आप सभी लोगों के लिए, ये रहा, अटल बिहारी वाजपेयी इनमें से किस राज्य के सांसद नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी
holds the record for being elected as MP from the most places. Matlab 6 constituencies from 4 states. And uske baad Lok Sabha mein wo 10 bari elect kiye gaye hain. Aur unhone apna aakhri chunav na Lucknow se 2004 mein lada tha. और वो भी जीत गए थे वो. ऐसा इनके साथ दो बार हो चुका है कि ये दो सीटों से अलग अलग इन्होंने इलेक्शन लड़े और दोनों जगह पर ये जीत चुके हैं. भाई साहब जवाब बता दूं, द राइट आंसर इज बिहार. बिहार एक जगह है जहां पर उन्होंने नहीं सर्व किया है एज एन एमपी. 2000 लोगों ने सही जवाब दिया है बट ऑलमोस्ट 7000 लोग दे बैठे गलत जवाब. इसलिए बनता है मेरा आज का दूसरा गब्बर सवाल. चादर में बहुत बहुत मुबारक हो, 30,000 में से अपना शहर जीत चुके हैं 2038 लोग. वेल डन पुनी पीप्स. एंड 44,484 लोग अभी लाइफ यूज करके गेम में वापस आ चुके हैं. गुड लक गाइस. 4,484 लोग मुबारक हो जी. लाइफ ने आपको हर सही जगह पे बचा लिया है. एंड 6,522 लोगों के लिए पढ़ा जाएगा आज के मंडे एडिशन का फाइनल क्वेश्चन. आता हूं आपकी स्क्रीन पर. ये रहा, इनमें से कौन एरोस्पेस कंपनी के सहयोग से लग्जरी हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं? वर्साचे, गुची या लुई वुइटन? वैसे इस हेलीकॉप्टर में ना सारे इंटीरियर्स डिजाइनर है, ठीक है, लाइक सारे के सारे. वैसे ये हेलीकॉप्टर्स जो है दे आर मेड बाय ऑगस्टा वेस्टलैंड और इसकी इंटीरियर जो है ना, सही जवाब है ना, वो लग्जरी ब्रांड बनाता है. एंड एक हेलीकॉप्टर का कॉस्ट है अबाउट $4 to $6 million. भाई साहब, और इंटीरियर डेकोरेशन का कॉस्ट अलग से. मतलब हेलीकॉप्टर से पहले जो ये कंपनी है ना, वो लग्जरी रिजॉर्ट्स, प्राइवेट जेट्स, यॉट्स और लिमिटेड एडिशन लिम्बोर्गिनीज को भी डिजाइन कर चुकी है. और जवाब आ चुका है, जवाब है वर्साचे. 3,559 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है. 450 पीपल यूजिंग देयर लाइफ. सो मेरे आज के कुल ब्रेन बाजीगर्स बनते हैं 4,009 लोग. बहुत जोर से आ रही है आपके लिए एक चीज. इतनी खुशी, इतनी खुशी. फटाफट से सेलिब्रेशन हो जाए. ये 4,009 लोग हैं, बहुत ही खुशी है मेरे को आपके लिए. एंड आपने स्टार्स भी देखे होंगे जो लाइक अभी सेलिब्रेशन में चलाए थे मैंने. एंड स्टार से मुझे याद आया यार, स्टारी थर्सडे काफी स्पेशल होने वाला है इस दफे. तो प्लीज टाइम पे पहुंच जाएगा क्योंकि पप्पी दा लेकर के आ रहे हैं अपने मतलब ओल्ड फ्रेंड सुरेश मेनन को. जी ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे. हाँ तो ये बहुत सुपर डुपर फूपर स्पेशल होने वाले क्योंकि सुरेश मेनन आपके क्विज मास्टर बनने वाले हैं. एंड फिलहाल के लिए बता दें ये जो 4,009 लोग हैं कितने पैसे जीत चुके हैं. ₹17. बहुत बहुत मुबारक हो सोनी, साहिल, डॉन, बैंक, आदर्श, रूथ, एके सिंह, नीरज, अनिल कुमार, पीके 75. भाई तुम बहुत पैसे जीतते हो. राहुल, मिस, नरेश, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस. तो 17,000 में से आपने शेयर जीते ₹17. एंड जिन्होंने 10th क्वेश्चन का सही जवाब दिया था